गाइस, यो वेलकम इन भाई यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी। आज हम बात करेंगे पॉइंट एंड लाइन के बारे में, जो कि दोनों हमारे ज्योमेट्री के टॉपिक्स हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। ए पॉइंट इन ज्योमेट्री इज अ लोकेशन, इट हैज नो साइज आई डैश, नो विड्थ, नो लेंथ, नो डेप्थ। ए पॉइंट इज शोन बाय अ डॉट। तो पॉइंट की डेफिनेशन हमसे ये कहती है कि जो पॉइंट है ज्योमेट्री के अंतर्गत, ये एक लोकेशन है। मीन्स किसी भी चीज़ की अगर आपको लोकेशन दिखानी हो तो आप पॉइंट का यूज करके दिखाएंगे। इट हैज नो साइज, इसके अंदर कोई साइज नहीं होता है। अब साइज नहीं होता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ना तो इसमें विड्थ होती है, ना ही इसमें लेंथ होती है, और ना ही इसमें डेप्थ होती है, मीन्स गहराई होती है। ए पॉइंट इज शोन बाय अ डॉट, और जो हमारा पॉइंट है उसको हम हमेशा एक डॉट से दिखाते हैं, ठीक है। लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप ये कंसीडर करिए, आपके पास एक क्यूब है, ठीक है। तो ना तो ये इसमें ये लेंथ होगी, ना ब्रीथ होगी, और ना ये हाइट होगी, ठीक है। एक सिंपल सा पॉइंट हमारी लोकेशन को दिखाता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। एंड नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज लाइन। ए लाइन इज डिफाइंड एज अ लाइन ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन टू डायरेक्शंस। इट हैज वन डायमेंशन द लेंथ। देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइन। देखिए, जैसे कि डेफिनेशन हमसे कहती है, हमें इजीली समझ में आ गया होगा, जो लाइन होती है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ लाइन ऑफ पॉइंट्स। मीन्स अगर आप पॉइंट्स लगाते हुए चले जाएँ कंटिन्यूस, लेकिन उनके बीच का जो गैप है वो ना के बराबर हो, तो वो आपकी लाइन कहलाएगी। अब जो आपने पॉइंट्स लगाए उनके बीच का गैप बिल्कुल जीरो हो जाए, ठीक है। मीन्स आपने एक ही पॉइंट लगाया, फिर दूसरा पॉइंट उसके पास, फिर तीसरा पॉइंट उसके पास, फिर चौथा पॉइंट उसके पास, इसी टाइप से अगर आप कंटिन्यूस लगाते चले जाएंगे तो फिर वो आपकी एक लाइन बन जाएगी। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लाइन, और हमारे यहाँ पे लाइन के कितने काइंड्स होते हैं? टू काइंड्स होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? पहला स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब वो लाइन हमारी एकदम स्ट्रेट होगी। नेक्स्ट कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन का मतलब वो हमारी जो लाइन होगी वो एक जिगजैग लाइन होगी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, और जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके अंदर कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते। मीन्स स्ट्रेट लाइन हमारी दोनों डायरेक्शन में बढ़ सकती है, लेफ्ट भी और राइट भी। मीन्स ये किसी भी साइड से स्टॉप नहीं हो सकती, ये लाइन है, और जो दोनों साइड से स्टॉप हो जाए उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जैसे कि आपको नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, और जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है उसके दो एंड पॉइंट होते हैं। मीन्स इसकी जो हमारी लेंथ है वो फिक्स रहेगी, और जो हमारी लाइन होती है उसकी लेंथ हमारी फिक्स नहीं रहती। ये रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, और जो हमारी रे होती है, किरण होती है, उसमें हमेशा एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ एरो होता है। मीन्स ये एक डायरेक्शन में जितना चाहे उतना ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़ सकती है। नीचे की साइड जो आपको फिगर दे रखे हैं वो आप देख सकते हैं, आपको फिगर दे रखे हैं स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट के। जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है वो आप किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, और जो हमारी रे होती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ती है, और जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है वो हमारा किसी भी डायरेक्शन में नहीं बढ़ता। मीन्स उसकी लेंथ हमारी फिक्स रहती है। एंड नाउ थर्ड, पैरेलल लाइंस। आपने अब तक दो लाइंस पढ़ ली, कौन कौन सी? पहले आपने पढ़ी स्ट्रेट लाइन, दूसरी कर्व लाइन, और हम तीसरी पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन किसे बोलते हैं, फटाफट इसको हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आप दो लाइन खींचेंगे और उसके अगर बीच की डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पर आप डिस्टेंस मेजर करिए, यहाँ पर आप डिस्टेंस मेजर करिए, और यहाँ पर आप डिस्टेंस मेजर करिए। अगर जितनी भी जगह आपने डिस्टेंस काउंट करी है, मेजर करी है, तो वो जो मेजरमेंट है आपकी हर तरफ इक्वल रहनी चाहिए। तो ये दोनों लाइनें आपकी पैरेलल लाइन कहलाएंगी। ये तो हो गया सिर्फ मेजर करने का तरीका। अगर आप इसको डेफिनेशन के तौर पे बोलना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं, दो ऐसी लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती, मीन्स कॉन्स्टेंट रहती है, वो हमारी पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। अब आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, पैरेलल लाइंस आर लाइंस इन अ प्लेन्स। पैरेलल लाइंस वो लाइंस हैं किसी भी प्लेन में विच डू नॉट मीट, जो कभी नहीं मिलती। दैट इज टू लाइंस इन अ प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये किसी भी पॉइंट पे ना तो टच करेंगी ना इंटरसेक्ट करेंगी, आर सेट टू बी पैरेलल, तो उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहेंगे।
दे आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, कितने भी आप आगे चले जाइए कितने भी आप पीछे चले जाइए हर पोजिशन पर इसके बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी। पैरेलल लाइंस आर इंडिकेटेड विद द सिंबल, अब देखिए आपको सिंबल ले रखा है, जब कभी भी आपको दो पैरेलल लाइन शो करनी हो तो आप इस सिंबल का यूज करेंगे। कैसे, देखिए सपोज दैट ये आपके पास लाइन है, इस लाइन का नाम है ए बी, अब आप दूसरी लाइन ले लीजिए, इस लाइन का नाम है आपके पास सी डी, और आपको ये शो करना है ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ए बी पैरेलल का साइन सी डी। ओके, तो इस तरीके से आप दो लाइन पैरेलल हैं उसको आप शो कर सकते हैं। इसी टाइप से एक और लाइन होती है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होता है, हमारा एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन 90 डिग्री बनाती है, और जो हमारा परपेंडिकुलर का सिंबल होता है वो आपका ये होता है। अगर इस टाइप से आपको अगर दो लाइनें दे रखी हूँ, सपोज दैट ये आपके पास लाइन है ए बी और दूसरी आपके पास लाइन है ये है सी डी, अब ये परपेंडिकुलर है, इसको आप शो कैसे करेंगे, इसको आप शो ऐसे कर सकते हैं ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी या फिर सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए जो आपको नेक्स्ट दे रखा है फिगर पैरेलल लाइंस का ही दे रखा है, लेकिन वो पैरेलल कर्व्ड लाइंस है, ये पैरेलल स्ट्रेट लाइंस थी और वो हमारी पैरेलल कर्व्ड लाइंस है। ओके,